हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि आप फोन पे का बारकोड कैसे जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, अगर आप एक दुकानदार हैं, आपको ऑनलाइन पैसे एक्सेप्ट करने में दिक्कत हो रही है, तो आप एक फ़ोन पे अकाउंट बनाकर उसका बारकोड जनरेट करके प्रिंट करके अपने शॉप पे लगा सकते हैं, जिससे आपके ऑनलाइन पैसे लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी बारकोड को स्कैन करेगा और आपके अकाउंट में पैसे तुरंत ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए, मेरा नाम नूर आलम है। चलिए शुरू करते हैं कि बारकोड कैसे स्कैन किया जाता है और कैसे जनरेट किया जाता है। फ़ोन पे QR कोड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हम प्ले स्टोर में जाएंगे। यहाँ पे डाउनलोड करेंगे फ़ोन पे बिजनेस, ठीक है। कुछ इस तरह ग्रीन कलर का जो एप्लीकेशन दिखाई देगा, ठीक है, इसको डाउनलोड करना है। तो मेरे पास फिलहाल डाउनलोड है, तो मैं इसको बैक जाता हूँ। इसको ओपन करेंगे, कुछ इस तरह का ये इंटरफेस इसको दिखाई देगा। अगर आपके पास ये पहले से फ़ोन पे अकाउंट है तो यहाँ पे साइन इन कर लेंगे मोबाइल नंबर डाल के। अगर नहीं है तो यहाँ साइन अप पर क्लिक करके यहाँ नेम डालेंगे या मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ गेट OTP पे क्लिक करेंगे। OTP को सबमिट करेंगे तो एक अकाउंट खुल जाएगा। तो फिलहाल मेरे पास है, तो मैं इसको साइन इन कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा लॉग इन करने के बाद। अगर आपका KYC हो चुका है फ़ोन पे में तो इस तरह का कुछ दिखाएगा। अगर नहीं हुआ है तो यहाँ पर ये लिखेगा KYC अनकम्प्लीट, तो उसको KYC करवाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे लिखा है स्टोर, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ लिखा है मैनेज QR कोड, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऊपर देखिए लिखा है व्यू QR कोड, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने ये QR कोड आ जाएगा, इसको यहाँ पर PDF में डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद ये कुछ इस तरह से आपका QR कोड जो है शो होगा, इससे आप प्रिंट करा के अपने दुकान में लगा सकते हैं और मनी को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि न्यू वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।